दोस्तों कैसे आप सभी, आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ कि आप अपने सुजुकी एक्सेस, होंडा एक्टिवा जैसी आईसीई इंजन वाले स्कूटर को कैसे आप इलेक्ट्रिक गाड़ी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वो भी आरटीओ अप्रूव्ड। ये नहीं कि बस आपने अपडेट किया, इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट किया और कहीं पे गए और आपको पकड़ लिया आरटीओ ने। तो वो चीज़ से बचने के लिए भी आपको आरटीओ अप्रूव किट लगाना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में एक कंपनी है स्टार ए मोबिलिटी कंपनी, जिन्होंने कन्वर्जन किट डेवलप किया है, जिससे आप अपने आईसीई इंजन वाले स्कूटर को आप इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और आरटीओ अप्रूव्ड रहेगा तो आपको कोई भी कहीं पे भी नहीं पकड़ेगा। हालांकि इससे रिलेटेड भी एक वीडियो मैंने पहले बनाया था, हालांकि वो बाइक के ऊपर था, कि आप हीरो स्प्लेंडर को कैसे आप इलेक्ट्रिक गाड़ी में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो भी कन्वर्जर किट आती है, वो भी गोगो एआई कंपनी करती है। हालांकि ये कंपनी दूसरी है, वो मुंबई बेस्ड कंपनी है। ये दूसरी कंपनी है जो कि आपके पेट्रोल स्कूटर को इलेक्ट्रिक स्कूटर में कन्वर्ट कर देती है। आइए जानते हैं कि कैसे ये किट काम करता है, कैसे इसकी रेंज प्रोवाइड करती है, क्या इसका परफॉर्मेंस है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। बैटरी कैसी है, प्राइस क्या होगा, वारंटी क्या है, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो अंत तक जरूर देखना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा देना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेल दोस्तों, ये कन्वर्जन किट लगाने को मैं बस उनको ही सजेशन देना चाहूंगा जो लिटरली अपनी जो गाड़ी है, जो ऑलरेडी एक्टिवा है, जो काफी पुरानी हो चुकी है, उसमें मेंटेनेंस का कॉस्ट काफी ज्यादा लग रहा है, या ऐसा समय आ चुका है कि वो एक्टिवा को या तो बेचना है या तो खड़े रखने पे ही आपका ज्यादा फोकस है, तो ऐसे में उस गाड़ी को आप इलेक्ट्रिक गाड़ी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्री बुकिंग अमाउंट देना पड़ता है ₹100 देंगे तो आपकी प्री बुकिंग हो जाएगी। अब आती है कि ये किट में आपको देखने को क्या मिलता है, एक्चुअल में किट का क्या क्या चीजें है। हालांकि आपकी जितने भी मैकेनिज्म पेट्रोल के, लाइक उसका इंजन, लाइक उसका फ्यूल टैंक, सब कुछ हटा दिया जाएगा एंड वहां पर इंस्टॉल किया जाएगा इलेक्ट्रिक मोटर एंड बैटरी। हालांकि इसका जो रियर का स्विंग आर्म है वो भी चेंज होगा, इलेक्ट्रिक गाड़ी के हिसाब से इसका स्विंग आर्म डिजाइन किया जाएगा। अब बात आती है यहाँ पे फीचर्स क्या है इस गाड़ी किट के। तो सबसे पहली चीज तो जो मोटर आपको मिलती है वो 5.5 किलोवाट की PMSM मोटर देखने को मिलता है, एंड ये मोटर बेसिकली मिड सेट मोटर है, एंड यहाँ पे कस्टम बिल्ड कंट्रोलर देखने को मिलता है, एंड यहाँ पे जो चैसी है एल्यूमिनियम हाई स्ट्रेंथ चैसी देखने को मिलता है, एंड बेल्ट ट्रांसमिशन है 1:4:4 की बेल ट्रांसमिशन देखने मिलती है, बैलेंस स्पीड है और पिकअप के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। स्टैंडर्ड आपको ड्रम ब्रेक सेटअप देखने मिलता है, पीछे ही आपको पूरा किट लगेगा, फ्रंट तो जैसा आपको एक्टिवा मिलता है वैसा ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। और बेसिकली ये जो कन्वर्जन किट है ये बेसिकली तीन गाड़ियों के लिए इन लोगों ने रजिस्टर्ड करके रखा है, होंडा डियो, होंडा एक्टिवा एंड सुजुकी एक्सेस 125। अब आती है कि इस गाड़ी की रेंज क्या है। हालांकि इन्होंने जो रेंज निकाला है वो निकाला है 70 से 75 के बीच में विद अ सिंगल चार्ज। यहाँ पे जो टॉप स्पीड है इस गाड़ी की वो काफ़ी इंप्रेसिव है, काफ़ी हाई टॉर्क इंजन है और हाई पावर इंजन है, दैट इज 70 km/h की टॉप स्पीड इस गाड़ी में आपको इजीली मिल जाएगी अगर आप ये कन्वर्जन किट लगाते हैं तो। हालांकि जो एक्टिवा है वो भी 70 तक चली जाती है पेट्रोल वाली, इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करेंगे तो भी उतना कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, हालांकि जो पिकअप है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। बैटरी पैक की बात करें तो यहाँ पे 2.4 किलोवाट की आपको बैटरी देखने मिलती है, लिथियम आयन बैटरी है, 48 वोल्ट 50 एम्पेयर आवर की बैटरी है जो कि अच्छी मानी जाती है। फुल चार्ज होने में 3.5 आवर्स का टाइम लगता है। आपको अगर फास्ट चार्जिंग परचेस करना है तो वो अलग सब कुछ परचेस करना पड़ेगा इस गाड़ी के लिए, और बोल सकते हो इस कन्वर्जन किट के लिए। अगर मैं रिप्लेसमेंट की बात करूँ तो यस, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखा जाएगा कि आपकी गाड़ी का फिटनेस क्या है, FC लेवल कैसा है, साथ ही साथ आपके RC और डॉक्यूमेंट सब कुछ रिक्वायरमेंट होगा। पहले ये जाएगा RTO फॉर्मेलिटीज के लिए, अगर सब कुछ करेक्ट होता है, सब कुछ सही है, आपका कन्वर्जन हो सकता है इलेक्ट्रिक में और आपको RTO अप्रूव मिल जाता है, उसके बाद ही ये काम स्टार्ट करते हैं, उससे पहले ये स्टार्ट नहीं करते, ये इनका कंडीशन है। यहाँ पे जो गाड़ी है, गाड़ी के अंदर ही आपको चार्जिंग पोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, फॉल्ट इंडिकेटर LED लाइट दिया जाएगा, डैशबोर्ड में मिलेगा ये सारी चीजें, फ्यूल गेज की जगह आपको बैटरी चार्जिंग इंडिकेटर देखने को मिलेगा, एक्स्ट्रा बूट स्पेस दिया जाएगा और एप्लीकेबल किया जाएगा इस गाड़ी में। और यहाँ पे जो बूट स्पेस है और इसका बोल सकते हो सीट है, वो हल्का सा अल्ट्रेशन किया जाएगा जो राइडर है उसको ना ज्यादा हार्म हो, बस सारी चीजें कंफर्टेबली हो जाए। और ये कम्प्लीटली रिप्लेसमेंट बाय 100% इलेक्ट्रिक किट के थ्रू होगा, पेट्रोल इंजन को पूरा चेंज कर दिया जाएगा। अब आती है कि भाई इसकी प्राइसिंग क्या है, प्राइसिंग माइंड में चल रहा होगा,
वेल द बेस्ट प्राइस है वो 37,000 रुपीज है, यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू जो है वो 2000 है, और अगर मैं इसको डिस्काउंट कर दूं तो फाइनल कॉस्ट आएगी 35,000। बैटरी कॉस्ट इसमें इंक्लूड नहीं है। इसमें क्या क्या चीज इंक्लूड है मैं आपको बता देता हूँ। पहला है किट, कन्वर्जन चार्जर, RTU फॉर्मेलिटीज उसमें इंक्लूडेड है, एसेसरीज जैसे बैटरी पैक होल्डर, बूट स्पेस, ये सारी चीज मिल जाएगी, एंड हार्नेस आपको देखने को मिला है जिससे सारी वायरिंग आपको करनी है तो कर सकते हैं। अगर आपको इसके साथ बैटरी पैक भी लेना है तो ये कॉस्ट पड़ जाएगा अराउंड 65,000। वारंटी की बात करें तो मोटर की वारंटी है 2 ईयर्स, कंट्रोलर की वारंटी है 1 ईयर्स, बैटरी की वारंटी है एक ही ऑप्शन है 3 ईयर्स और 45,000 किलोमीटर, दोनों में से जो भी पहले आ जाएगा वहां पे आपको वारंटी खत्म हो जाएगी। ट्रांसमिशन बेल्ट की जो रिप्लेसमेंट टाइमिंग है वो 9,000 से 10,000 किलोमीटर पे इसको चेंज करना है, और मोटर मैग्नेट को रीमैग्नेटिक पीरियड के हिसाब से नियरेस्ट अराउंड 15 से 18,000 में ही उसको रिपेयर किया जाएगा। अब आता है यहाँ पे सब्सक्रिप्शन प्लान भी है बैटरी के लिए, जो आप इनके वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं ये कंपनी कहाँ की है। कंपनी है बैंगलोर नॉर्थ की है। आपको इनका वेबसाइट का लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके चेकआउट कर सकते हैं। आपको अगर आपको गाड़ी को चेंज करवाना है एक्टिवा एक्सेस होंडा डियो को इलेक्ट्रिक में तो ही आप इनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करें, अदरवाइज मत करिए। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी गाड़ी को कैसे बनाना है। नई बनाना है, नई गाड़ी खरीदनी है तो वो भी परचेस कर सकते हैं, लेकिन आपके पास एग्जिस्टिंग गाड़ी है अगर आपको पेट्रोल में नहीं चलाना है उसको इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करने में अगर आपका चल जाता है तो आप ऐसी चीज़ें ट्राई आउट कर सकते हैं। ऑप्शनल है और RTO अप्रूव्ड है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, नहीं तो सब्सक्राइब कर देना, अच्छा प्लीज़ शेयर कर देना, और स्टार या मोबिलिटी से कोई देख रहे तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपके एरिया में आके आपके ही शोरूम में आके सब कुछ देखूंगा और पूरा से जानूंगा, फिर मैं अपने व्यूअर्स को बताऊंगा। लेकिन एक चीज़ है, अगर कोई हिंदी बोलने वाला होगा तो ही मैं आऊँगा, अदरवाइज प्रॉब्लमेटिक है, बिकॉज मेरे जो भी चैनल में लोग हैं सब हिंदी जानने वाले हैं तो मैं हिंदी में ही कवर करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।